Hello students, in this fourth part we were going to discuss under pleading drafting and conveyance the memorandum of appeal, the model draft of memorandum of appeal in civil cases, what it should contain. Sabse pehle hum first appeal ki taraf dekhenge ki first appeal mein kya hona chahiye. So first appeal, jaise ki humne pehle kiya tha, appeal in appeal against the decrees जो 96 से 99 ए के अंदर डिस्कस है, सीपीसी के अंदर ऑर्डर 41 में. सो फर्स्ट अपील के अंदर क्या क्या होना चाहिए आइए देखते हैं. फर्स्ट अपील, मेमोरेंडम ऑफ फर्स्ट अपील के अंदर सबसे पहले टाइटल पेज के बारे में बात करते हैं. टाइटल पेज जो फ्रंट में हमारे टाइटल पेज होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए. टाइटल पेज के अंदर सबसे ऊपर होगा नेम ऑफ द कोर्ट, जिस कोर्ट में वो अपील फाइल की जा रही है उस कोर्ट का नाम, उस कोर्ट का नाम टाइटल पेज में होगा. उसके बाद सीएमए नंबर लिखा जाता है, उसके बाद सीएमए नंबर लिखा जाता है. सीएमए का फुल फॉर्म है सिविल मिसलेनियस अपील नंबर. तो सिविल मिसलेनियस अपील नंबर उसके बाद लिखा जाता है, वो एक अपील नंबर है. देन उसके बाद पार्टीज का नाम, सबसे पहले अपीलेंट का नाम, नाम के अंदर उसकी एज और उसके रेजिडेंस को इंक्लूड किया जाता है. रेस्पॉन्डेंट का सेम, उसके नीचे रेस्पॉन्डेंट का नाम वर्सेस डाल के वहां पर भी नेम के साथ में फादर्स नेम और एज और रेजिडेंट, ये दोनों में लिखे जाते हैं. उसके नीचे अपीलेंट और रेस्पॉन्डेंट को मार्क किया जाता है कि ये अपीलेंट है, ये रेस्पॉन्डेंट है, वर्सेस लगा के. उसके बाद उसके नीचे क्या लिखा जाता है, उसके बाद उसके नीचे ये चीजें लिखी जाती हैं, अपील अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी 96, जैसे कि फर्स्ट अपील का बताया मैंने, अपील अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी 1908 अगेंस्ट सिविल सूट नंबर, जिस लोअर कोर्ट के सूट के अगेंस्ट अपील फाइल की जाती है उसका सूट सिविल सूट नंबर, नेम ऑफ पार्टीज, उस सिविल सूट की पार्टीज का नाम सेम ही होगा वैसे तो, पार्टीज का नाम, और उसके नीचे कोर्ट का नाम जिस कोर्ट ने उस सूट को डिसाइड किया था जिसके खिलाफ अपील, फर्स्ट अपील फाइल हुई है. लास्ट हम उस टाइटल पेज में लास्ट सबसे नीचे लिखेंगे क्लेम इन अपील. अपील में हम चाहते क्या है, कि हम अपील को क्या, अपील के अंदर हम चाहते क्या है, कि जो भी वैसे इसमें यही चीजें लिखी जाती हैं कि जो भी जो सिविल सूट में डिसाइड हुआ वो उसको खारिज कर दिया जाए, उसको सेट असाइड कर दिया जाए. तो ये चीज इसकी आप कंप्लीटली टेबल जरूर बना ले, ये टेबल वाइज ये चीजें इंपॉर्टेंट है एज पर लैंग्वेज. आगे हम बात करेंगे सेकंड, बॉडी ऑफ प्लेंट. बॉडी ऑफ प्लेंट में क्या लिखा जाता है, ये प्लेंट की बॉडी में क्या होना चाहिए, व्हाट द बॉडी ऑफ प्लेंट शुड हैव. सो सबसे पहले बॉडी ऑफ प्लेंट में इंट्रोडक्शन पार्ट होगा. इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया जाएगा कि लोअर कोर्ट में ये केस डाला गया था, इस केस के ये फैक्ट्स है और इस केस में ऐसी डिसीजन आया. उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस, जो भी केस का पूरा फैक्ट है उसको लिखा जाएगा उसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद. फैक्ट्स ऑफ द केस, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये भी मेंशन करेंगे कि पार्टीज का नाम क्या है और वो कौन सी कैपेसिटी से अपीयर हो रही हैं, ठीक है. फैक्ट्स ऑफ द केस के बाद ग्राउंड्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्राउंड्स ऑन विच जजमेंट टू बी सेट असाइड. यहां पर अपीलेंट ग्राउंड्स कोर्ट को मेंशन करता है पॉइंट वाइज कि इन ग्राउंड्स पे जजमेंट जो दी है वो पुरानी निचली अदालत ने जो जजमेंट दी है, इन ग्राउंड्स पर जो जजमेंट आई थी उसको, इन ग्राउंड्स पर जो जजमेंट निचली अदालत ने दी थी उसको, उस जजमेंट को इन ग्राउंड्स पर सेट असाइड करना चाहिए. ये कुछ ग्राउंड सजेस्ट करते हैं अपीलेट कोर्ट को कि इन ग्राउंड्स के बेसिस पर अपीलेंट ये चाहता है कि जो निचली अदालत ने जजमेंट दिया था उसको सेट असाइड करना चाहिए. एंड लास्ट में बॉडी ऑफ द प्लेंट में प्रेयर लिखी जाती है, जहां पर अगेन वही चीजें कि कोर्ट से आप चाहते क्या हो, अपीलेंट ये बात लिखता है कोर्ट से आप चाहते क्या हो, आप इस अपील के द्वारा कोर्ट से क्या चाहते हो. उसके सबसे नीचे रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडल ड्राफ्ट के अंदर, फर्स्ट अपील के अंदर सिग्नेचर होने चाहिए अपीलेंट के, और प्लेस और डेट, और उसमें फिर एडवोकेट के भी नीचे सिग्नेचर होते हैं, जो अपीलेंट की तरफ से केस फाइल कर रहा है उसके एडवोकेट के भी सिग्नेचर होते हैं. तो ये था मॉडल ड्राफ्ट फर्स्ट अपील का. अब हम करेंगे मॉडल ड्राफ्ट ऑफ सेकेंड अपील. इन द मॉडल ड्राफ्ट ऑफ सेकेंड अपील विल सी दैट अंडर द टाइटल पेज देर आर सम चेंजेस इन सेकेंड अपील.
First, you can see the whole diagram, whole this table. So under this, let's start the title. Under the title page, first you have to write name of the court. So ये जो second appeal है, ये mostly high court पे जाती है. ये high court में जाती है second appeal जो है. और high court का नाम आएगा. कौन सी high court में second appeal डाली गई है. उसके बाद RSA number. उसके नीचे RSA number लिखा जाएगा. RSA का full form है regular second appeal. So regular second appeal का number होगा उसके बाद. उसके बाद title page के अंदर parties का नाम appellant respondent. Parties के नाम का मतलब मैं फिर से बता दूँ. Name of the parties. सबसे पहले name of the party, son of, residence of, उनकी age, ये सब लिखा जाता है. Appellant और respondent दोनों में ही बिल्कुल last की तरह. उसके बाद कुछ changes हैं. उसके बाद उसके नीचे place और date लिखा जाता है कि place और date क्या है ये regular second appeal file करने का. Place और date कौन सी है वो उसके नीचे लिखी जाएगी. उसके नीचे name of advocate और counsel for appellant. उसके नीचे कौन से advocate ने file किया, name of that advocate, counsel for the appellant. ये regular second appeal के अंदर ये जो performa इसका memorandum of appeal के अंदर होता है. Next you'll see the body of plaint. Body of plaint के अंदर क्या क्या होना चाहिए. सबसे पहले introduction part, किसने file किया, क्या नाम है और उसके बारे में जितनी डिस्क्रिप्शन है ये सब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा. नेक्स्ट इज अबाउट द केस. केस के फैक्ट्स क्या हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं केस के, क्या क्या डिस्कस किया है, वो सारे फैक्ट्स केस के बारे में लिखे जाएंगे. जिसके लिए अपील डाली गई, सेकंड अपील डाली जा रही है, वो सब कुछ यहां लिखना है. उसके बाद अबाउट द फर्स्ट अपील. जो पहली अपील फाइल करी गई है उसके बारे में भी यहां मेंशन किया जाएगा. उसके बाद पॉइंट्स में मेंशन किया जाएगा कि पहली अपील फाइल करी गई थी उस केस में, पहले केस हुआ उसके बाद पहली अपील फाइल करी गई, उसकी ये जजमेंट है. उसके बाद ग्राउंड ऑन विच सेकेंड अपील फाइल. उसके बाद अपीलेंट कुछ ग्राउंड्स मेंशन करेंगे. उस ग्राउंड में ये लिखा होगा कि ये सेकेंड अपील फाइल करने की जरूरत क्यों पड़ी. उसमें बिकॉज करके पॉइंट्स आते हैं कि इसलिए फाइल करने की जरूरत पड़ी. बिकॉज दी अर्लियर कोर्ट्स हैव एरर इन दिस, बिकॉज दी अर्लियर कोर्ट आर एरर इन दिस. और उसी के बाद उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को भी रेज किया जाएगा कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में कहां एरर रह गई थी फैक्ट्स ऑफ द केस में और अबाउट फर्स्ट अपील. जो हमने देखा था कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर नहीं है तो सेकेंड अपील फाइल नहीं हो सकती, तो वहां पर ये मेंशन रेज किया जाएगा. और उसके बाद होती है प्रेयर. लास्ट में फिर प्रेयर डाली जाती है अपीलेंट के द्वारा कि उसे सेकंड अपील में अब क्या चाहिए कोर्ट से. लास्ट में सिग्नेचर. लास्ट में पहले प्लेस एंड डेट लिखा जाएगा, उसके बाद उसमें उसके सामने सिग्नेचर होता है और सिग्नेचर के बाद नीचे एडवोकेट के फिर से सिग्नेचर होते हैं, एडवोकेट, काउंसिल फॉर द अपीलेंट. तो ये मॉडल ड्राफ्ट है सेकेंड अपील का. सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा मेमोरेंडम ऑफ अपील वाला पार्ट खत्म होता है. मेमोरेंडम ऑफ अपील में एक सुप्रीम कोर्ट को जो अपील डाली जाती है स्पेशल लीव पिटीशन, वो भी है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि इस लिंक के, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के साथ भी मैं पेज नंबर्स, उन बुक्स को जो रेफर किया है मैंने बुक, उन बुक्स के पेज नंबर के साथ उसमें लिखूंगा कि स्पेशल लीव पिटीशन कहाँ है. और ये अबाउट द मॉडल ड्राफ्ट, एक मॉडल ड्राफ्ट जो पूरी ड्राफ्ट की हुई है एक फिक्शियस फैक्ट्स पे, फर्स्ट अपील की और सेकेंड अपील की, उस वो कहां प्रोवाइडेड है उसकी भी मैं पेज नंबर्स आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. होपफुली आपको ये अपील वाला पार्ट पूरा समझ में आया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम. ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरफ से अगर मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है. सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और थैंक यू वेरी मच. बाकी आगे के टॉपिक्स के लिए मेरी वीडियोज देखते रहें. थैंक यू.